हेलो बच्चा पार्टी, मैं शैलेश स्टडी अरीना में क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ काइनेमेटिक्स लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो फिर अभी तक क्वेश्चन नंबर 4-5 में जो कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर रहे थे उन्हीं से रिलेटेड है, है ना। तो मैं तुम्हें ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि देखो, ये बार बार एक कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं ये लोग, जिसमें रिलेटिव मोशन में एक बॉडी को दूसरे बॉडी कोलाइड करते हुए दिखेगी या कोलाइड कर जाएगी, तो उसके कॉन्सेप्ट को अपन पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन करा है, उसमें क्या था, उसमें क्या थे, दोनों सरफेस से सरफेसेस स्ट्राइक कर रहे थे। फिर तुम्हें तंग करने के लिए एक ऐसा क्वेश्चन दिखाया जिसमें ये लोग क्या कर रहे थे, कॉलिजन तो हो रहा था पर आसमान में एक प्लेन दूसरे प्लेन से टक्कर जैसा कुछ लगने का चल रहा था, ठीक है। लेकिन वहां पर भी स्ट्रेट लाइन मोशन में थे। पर यहां पर ध्यान से देखो, एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी क्या होने वाला है, दो बॉडी कोलाइड करने वाले, पर एक प्रोजेक्टाइल है और दूसरा भी प्रोजेक्टाइल है, मतलब एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल से टक्कर मारेगा, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें दो टावर बने हो, डायग्राम में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैं लिखना नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरा पूरा बोर्ड भर जाता, तो मैंने कुछ डायग्राम में यूज़ कर लिया, बाकी काम काम की इन्फॉर्मेशन लिख दी है। तो यहाँ पर एक टावर है ए बी, एक टावर है सी डी, ठीक है। ए बी का डायमेंशन दिया हुआ है और सी डी का डायमेंशन दिया हुआ है, और ये इनके बीच का जो गैप है डी, ये गैप नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ए बी की वैल्यू 20 मीटर दी हुई है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इस टावर की वैल्यू 30 मीटर दे रखी है। अब क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, देखो क्या बोल रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ए बी हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स सी डी। मतलब यहाँ से एक एम का मास हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया इस टावर की तरफ। उसके बाद उसी टाइम पर अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ, इस पर थोड़ा भारी मास, ठीक है, 2m, ट्वाइस ऑफ मास विच इज थ्रोन फ्रॉम द टावर ए बी इज यूज इन दिस टावर सी डी। तो यहाँ पे 2m का मास फेंका गया, कितने, ये किसी एंगल पे फेंका गया और ये कितने पे फेंका गया, 60 डिग्री पर सेम स्पीड के साथ फेंका गया। अब क्या होता है कि ये बीच में कहीं पे कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। चिपक जाने के बाद क्या क्या होता है, यही सब क्वेश्चन में पूछा गया। अब ध्यान से देखो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। कॉम्प्लिकेटेड क्या है कि ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, पता नहीं कहाँ पर इस तरीके का टक्कर बनेगा, ठीक है। अगर बहुत ही दिमाग लगाकर सोचे तो इसकी ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन और इसकी ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन को ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। पर अपन को इतना मैथ नहीं लगाना, इतना मैथ लगाएंगे तो फिर तो हो गया सिलेक्शन अपना, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत लेंदी जाएगा। अब कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। जैसे ही कॉलिजन का क्वेश्चन आया, हमेशा टीचर की बात याद रखना कि रिलेटिव सोचना है। अब एक बात सोचो, ठीक है, अगर ये इसको कोलाइड कर रहा है, ये इसको कोलाइड कर रहा है, कॉलिजन है, तो हमेशा उसको स्ट्रेट लाइन में आते हुए देखेंगे, अभी अभी पढ़ लिया। तो मुझे अगर मान लो इससे पूछता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ, इसका नाम जैसे मान लो इसका नाम सी रख देते हैं और इसका नाम ए रख देते हैं, यहाँ जो पॉइंट है उसी के रेस्पेक्ट में बोल दिया। तो वेलोसिटी ऑफ सी एज सीन बाई ए, अगर ए से पूछूंगा, ठीक है, कि सी कैसे आता हुआ दिखा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ सी एज सीन बाई ए। तो ये बोलेगा कि देखो वी सी माइनस वी ए वैक्टर सॉल्व कर दो, ये मिलेगा वी सी प्लस ऑफ माइनस वी ए वैक्टर, इसको अपन ऐड करना है। तो ध्यान से देखो, वी सी वैक्टर तो यहाँ पर है ही, और मुझे कौन सा वेक्टर क्रिएट करना है, माइनस वी ए। तो मान लो वी ए इधर था, इधर की ओर सॉल्व कर दूंगा, तो ये वाला वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, माइनस वी ए वेक्टर। और इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, अब ये क्या है, किस लाइन में आते हुए अगर दिखेगा तो ये इसको टक्कर लग जाएगा। ध्यान से देखो यहां पर एक ट्राइंगल दिखा आप लोगों को, अगर ए पर बैठा रहूंगा, अगर ए के रिलेटिव में देखूंगा तो मुझे सी इस वाली लाइन में आता हुआ दिखाई देना चाहिए। मतलब ये कौन सा वेक्टर की डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ सी एज सीन बाई ए, अगर यहां पर हो जाए तो मजा आ जाए। अब रिलेटिव लगाई क्यों रहे हैं, अगर तुमने काइनेमेटिक्स का मेरा प्लेलिस्ट देखा होगा तो उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि जब भी प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव लगाने का मिले, दिल खोल के लगाओ। क्यों दिल खोल के लगाओ, कि यहां पर जैसे ही ए रिलेटिव यूज करोगे, ये कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ए इसका भी लिखोगे तो ग्रेविटी जी स्मॉल जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका भी एक्सेलरेशन लिखोगे जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये रिलेटिव जीरो आ जाएगा। तो ये तो भैया ऐसे भी स्ट्रेट लाइन मोशन में क्वेश्चन चला गया, कहां रहा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन। तो अब रिलेटिव में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी मिल रहा है और एक्सेलरेशन रिलेटिव जीरो हो गया। समझ में आ रहा है, घबराना नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो पॉज करा, बंद करा, भाग गए, ठीक है। लंबा क्वेश्चन उठा ही रहा हूं जेई वाला, कि एक क्वेश्चन करूंगा कम से कम 5-6 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। अब यहां पर क्या पता चला, प्रोजेक्टाइल में भी रिलेटिव लगाएंगे तो एकदम दिल खोल के लगाएंगे, सीखने को मिल गया पहला पॉइंट। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से अपन को एक्सेलरेशन रिलेटिव जीरो मिलता है, तो जीरो मिलता है तो कभी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन रहेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, तो एक कॉन्सेप्ट तो यहां से चमक गया।
दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हैं, सीखने को बार बार मिल रहा है कि जब भी कॉलिजन का क्वेश्चन होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में आना चाहिए, क्वेश्चन खत्म। तो अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो कितना मजा आ जाएगा। मजा कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर ध्यान से देखो तो बस इसको सॉल्व करना है। अगर यहां पर देखोगे तो ये क्या है, डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए है। अब इसको अगर देखा जाए तो यहां पर अगर इसको रिजॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना मिल रहा है, यहां पर अगर देखो ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी, ठीक है। इस वाले डायग्राम को यहां उतार देता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें जल्दी जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर क्या था, ये था, ये 60 डिग्री पर जो डायरेक्शन है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ सी है। यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए था, उसको मुझे इधर ही बनाना है, तो यहां पर बनाया तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और यहां पर जो डायरेक्शन है ध्यान से देखो, ये वाला जो डायरेक्शन है, मैंने बोला था 20 मीटर का या 30 मीटर का है, तो ये कितने मीटर का मिलेगा, 10 मीटर का बनेगा। और ये कितने का मिलेगा, डी का बनेगा। और ये जो इस डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। इसका और इसका सम इधर की डायरेक्शन में जाएगा। तो ध्यान से देखो, VC को रिजोल्व करते हैं, VC को रिजोल्व करेंगे तो VC इधर और इधर रिजोल्व हो जाएगा। थीटा यहाँ पर देखो 60 डिग्री यहाँ पर डला हुआ था, तो यहाँ पर फंसेगा तो क्या फंसेगा, VC cos 60। यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या फंसेगा, VC sin 60। मतलब नीचे जाने की स्पीड कितनी हो गई, इसको इसको ऐड करा तो इसका तो इधर कंपोनेंट सिर्फ इधर की एक्सिस में, इधर की एक्सिस में नहीं है, तो नीचे ले जाने वाली एक ही स्पीड है VC sin 60, और इस साइड ले जाने वाली स्पीड दो दो हो गई, एक माइनस वी ए का मॉड ले लेंगे और दूसरा VC cos 60। अगर ये कॉलिजन करे होंगे तो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब है कि इतना 10 मीटर इधर चलना पड़ा होगा और इधर की डायरेक्शन में डी चलना पड़ेगा। तो मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देख कर सोच समझ कर बताना, वाई डायरेक्शन में कंडीशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा VC sin 60 से चल रहे हैं, कितने टाइम में चल रहे हैं, टी टाइम में चला होगा तो 10 मीटर कर लिया होगा। और x में अगर लिखूंगा तो कितनी स्पीड से चल रहा है, ये VC cos 60, माइनस ये मत कर लेना, माइनस इधर की डायरेक्शन के चक्कर में लिखा था, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड होना होगा, तो ये बन जाएगा VA, ठीक है। इसका मॉड यूज करेंगे ना, दोनों वेक्टर देखो, ये वाला वेक्टर भी इधर है, ये वाला वेक्टर इधर, तो ऐड होने वाला है। और उतने ही टाइम में x एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा इन लोगों ने, d ट्रेवल कर लिया। ध्यान से देखो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। VC की वैल्यू पता है, साइन 60 पता है, VC cos 60, VA भी पता है, C और A की स्पीड सेम थी, और ये इसको अगर देखो तो D मिल जाएगा। डिवाइड कर देता हूँ दोनों इक्वेशन को, अगर डिवाइड कर दूंगा तो ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा, T से T कैंसिल आउट हो गई, VC और VA शायद क्वेश्चन में दोनों सेम दे रखा है, VC ये शायद 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, कहाँ जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से, और ये भी कितने से जा रहा था, सेम स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड, तो जहां पर भी C और A दिखे सब कैंसिल आउट होने वाले हैं, कैंसिल आउट होने वाले हैं। तो ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर आएगा ये, अगर डिवाइड करोगे तो साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस 60 प्लस 1 इन डी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय डी। यहां से अगर देखोगे तो मुझे क्या मिल गया, डी मिल गया, डी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय साइन 60 इंटू 1 प्लस कॉस 60। यहां तक ठीक हो सब कोई, अगर ठीक हो तो ध्यान से देखो अपना काम हो गया, अपना काम यहां से अगर देखो तो 10 10 10 10 10, ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा, साइन 60 रूट 3 बाई टू, कॉस 60 1 बाई टू, 1 प्लस 1 बाई टू रूट 3 बाई टू हो जाएगा, 3 बाई टू, तो देखो ऐसा निकल रहा है 10 इंटू 3 बाई टू डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 बाई टू। यहां तक ठीक हो, यहां से अगर देखो तो मुझे क्या निकल के मिलने वाला है, ये 2 इधर जाएगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये इधर से इधर अगर देखोगे तो 10 रूट 3, मतलब इसके बीच का ये गैप निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 10 रूट 3 मीटर। यहां तक ठीक हो, मतलब कॉलिजन तो हो गया, एक पार्ट तो अपन ने खत्म कर दिया। तो ध्यान से देखो, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है कि दूसरा बोल रहा है कि फाइनली वो कहां ग्राउंड पे गिरेंगे, तो ग्राउंड पे गिरने की कहानी तो कॉलिजन के बाद स्टार्ट होगी, मतलब इस क्वेश्चन में कॉलिजन भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कॉलिजन कैसे सॉल्व कर पाएंगे, कई बच्चों को ये फील आएगी कि सर देखो नेट फोर्स तो हमेशा एम जी एक्ट करेगा ही करेगा, किसी भी पॉइंट पर आप कराओ, तो वहाँ पर अगर कॉलिजन करा दोगे तो मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा, ठीक है। तो अगर आपने वो कॉलिजन के क्वेश्चंस करे होंगे या वो चैप्टर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव,
तो यहाँ पर ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो नॉन इम्पल्सिव इन नेचर होता है, तो वो मोमेंटम में जो चेंजेस देगा वो बहुत ही छोटा होगा, जो कॉलिजन इम्पल्सिव चेंजेस देंगे वो काफ़ी बड़े होंगे। तो इसीलिए अपन अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल के नॉन इम्पल्सिव इन नेचर मान के ग्रेविटेशन में भी फटाफट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये जो अभी पॉइंट बोला है इसके चक्कर में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत होगी तो इसको अलग से कभी कॉलिजन का एक क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर जैसा थ्योरी पढ़ा दूंगा, उसमें सिखा दूंगा इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव का क्या चक्कर है। तो इसीलिए अपन बस ये है कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि ठीक है घबराना नहीं। ठीक है, इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्स कॉलिजन होता है बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बड़ा फोर्स जनरेट करता है, तो उसका इम्पल्स जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो वो उसके जो चेंजेस वो जो मोशन में ला सकता है वो ग्रेविटेशन उतने कम टाइम में नहीं ला सकते। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर मानकर अपन कॉलिजन में हर बार तुम बस इतना मान के चलो तुम्हारे जीवन में कॉलिजन होगा कहीं पर भी होगा मोमेंटम कंजर्वेशन जरूर लगा देना, टेंशन मत लेना उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब मुझे कुछ कुछ हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर वाला पार्ट मिटाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि ये वाला नंबर मुझे चाहिए होगा और कुछ वैल्यूज चाहिए क्या मुझे नहीं चाहिए, चलेगा, हटा रहा हूँ मैं ये सब। अब देखो सेकंड पार्ट पे आते हैं, कॉलिजन के समय क्या हुआ, ये सब तो रिलेटिव में देखा। अगर कॉलिजन देखना है तो मुझे ग्राउंड फ्रेम में आकर देखना पड़ेगा, बाहर से देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखा होगा, तो बाहर से देख रहा हूँगा तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा होगा ये इधर गया और ये इधर गया और यहाँ कहीं पे कोलाइड कर रहे होंगे। ये सब जो भी कहानी देख रहे थे रिलेटिव में दिख रहा था, ये अगर रुका हुआ रहता तो इसको ये ऐसा आता हुआ दिखता, क्यों रिलेटिव में अपने आप को रेस्ट पे मानता है। ठीक है, तो अब ये चलते हुए मैं इसको जिसकी कहानी दिखाई देती वो इधर सॉल्व, अब ग्राउंड से सॉल्व कर रहे हैं, ग्राउंड से सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि ध्यान से देखो हो क्या रहा है। ठीक है, समझना, सेकेंड वाले पार्ट में आ रहे हैं अपन, एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी स्पीड के दो पार्ट थे, एक इधर और एक इधर, और एक इसकी स्पीड का इधर पार्ट था। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 10 थी, इसको अगर देखोगे तो ये कितना था, 10 cos 60 था, 10 cos 60 था, और इधर कितना था, 10 sin 60। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, ये इतना डिस्टेंस पर कहीं पर मतलब इतना कुछ टक्कर मारने वाला है। ठीक है, तो कितने टाइम पर मारने और डिस्टेंस डी निकाल लिया था अपन ने। ठीक है, तो ध्यान से देखो, माना कि ठीक है, माना कि ये यहाँ कहीं पर टक्कर मार रहा है, यहाँ पर टक्कर मारा होगा, तो जिस समय ये यहाँ पे पहुँचा होगा तो इसके पास दो स्पीड बन गई होगी, एक्स एक्सिस की स्पीड तो 10 ही रही होगी पर इधर की स्पीड कुछ चेंज होकर बन गई होगी, और इसकी स्पीड कितनी बन गई होगी, यू प्लस जी इंटू टी बन गई होगी। ये इधर से जब आ रहा होगा तो इसके पास इधर की स्पीड 10 cos 60 होगा, 10 cos 60 10 × 1/2 इज इक्वल टू 5 है, तो ये इधर स्पीड 5 रहा होगा, और इधर की स्पीड y एक्सिस की स्पीड बदल गई होगी कुछ टाइम के चक्कर में, और ये स्पीड कितनी हो गई होगी, 10 sin 60 प्लस जी इंटू टी, जिस टाइम पे कॉलिजन हुआ होगा उसको टी लिख देता हूँ, टी नॉट। समझ में आया, फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, घबराना नहीं। अब जैसे यहाँ से प्रोजेक्टाइल हुआ तो प्रोजेक्टाइल की इधर की कंपोनेंट की स्पीड थी, और ये हॉरिजॉन्टल था तो इधर की स्पीड तो होगी नहीं, इसीलिए ये वाला यू कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करूंगा तो कुछ जीरो हो जाएगा। इधर एक्सेलेरेशन है तो जी इंटू टी नॉट, ये इधर की ओर है 10 m/s, ये इधर से आ रहा था तो इधर रहा 5। ठीक है, और इधर की ओर स्पीड बढ़ते जाएगी तो यहाँ पर कितना है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, 10 sin 60 प्लस जी टी नॉट, ऐसा कुछ होगा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये मैंने जो प्रोफाइल बनाया वेलोसिटी का प्रोफाइल बनाया, अब मोमेंटम लगाना है, तो मोमेंटम लगाऊंगा तो इसका मास m दिया हुआ था और इसका मास 2m दिया हुआ था, तो x एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा। तो पहले देख लेते हैं x एक्सिस में मोमेंटम कितना है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो कितना है, 10 × m, और इधर अगर देखूंगा तो 5 × 2m, नेट मोमेंटम कितना है, दिखा नेट मोमेंटम कितना है, ये 10m है और ये भी 10m है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है ना, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी भूल मत जाना लायक को, ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 10 20 कर दिया, तो ध्यान से देखो 10m और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट तो -10m, दोनों को ऐड करूंगा तो सिस्टम में एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना था, 0 था, तो बाद में भी कितना रहेगा, 0 रहेगा, यहां तक ठीक हो। अब ध्यान से देखो, इसने एक वर्ड लिखा था कि दोनों चिपक जाते हैं मिड एयर एंड स्टिक टू ईच अदर, मतलब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर फाइनली, और वाई डायरेक्शन में अगर तुम लिखो, ठीक है अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो यहाँ वाई डायरेक्शन में अगर लिखोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा m इंटू जी टी नॉट इधर का मोमेंटम, इधर का मोमेंटम लिखूंगा तो बनेगा 2m इंटू 10 sin 60 प्लस जी टी नॉट,
दोनों चिपक गए तो बनेगा 3m इनटू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब ये पूछा नहीं तो अपन को टेंशन नहीं लेना है। लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ग्रेविटेशन नॉन इम्पल्सिव नेचर है, इसीलिए मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल दूंगा वी वाई इसी के आसपास निकल गया है। यहाँ तक ठीक हो? अब ध्यान से देखो, ये तो चिपक गया। चिपक जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इस वाले पार्ट पर, ध्यान से सोचो, इस वाले पार्ट पर यहाँ पर दोनों चिपक गए। चिपक जाने के बाद यहाँ पर, उस डायग्राम को फिर से बना रहा, चिपक जाने के बाद यहाँ पर देखो x डायरेक्शन की जो स्पीड है वो जीरो हो गई और वी वाई में कुछ स्पीड बन गई। अब इसके बाद क्या, ये डायरेक्टली यहीं पे फॉल करेगा? फॉल करेगा, अपना काम हो गया। यहाँ पर फॉल करने वाला है, यहाँ से आंसर निकाल देंगे। मतलब ध्यान से देखो, मुझे तो बस ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालें? अगर मुझे ये पता चल जाए कितने टाइम में ये यहाँ पर कॉलिजन करा है, तो ध्यान से देखो ये इधर की स्पीड बदलती नहीं एक्स डायरेक्शन की, तो ये 10 इंटू इतना टाइम कर दूंगा, ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस वाले डिस्टेंस का नाम d1 लिख देता हूँ, और अगर इधर से लिखूंगा तो इसका नाम कितना हो जाएगा, d2 हो जाएगा। इधर से सॉल्व करूंगा तो 10 cos 60, और एक्स डायरेक्शन की स्पीड बदलती नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, तो कितना हो जाएगा 10 cos 60 इंटू टाइम। आया समझ में? मैं इधर से सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, d1 इज इक्वल टू कितना था भाई, 10 की स्पीड से चल रहा था और कितने टाइम तक चला, t0। यहां तक ठीक हो? कई लोग सोच रहे होंगे सर t0 कहां निकालेंगे, t0 कहां निकालेंगे। ध्यान से देखो, जहां पे मिटाया था वहां पर ये वाला टर्न था, वहां पर इसको सॉल्व किया था अपन ने, वहां पर मैंने डिवाइड कर दिया था, डिवाइड कर दिया था तो मुझे क्या मिल रहा गया था, ये d निकाल लिया था। अब इसको जब सॉल्व किया था तो क्या किया था, क्या किया था जल्दी बताओ। हाँ, इधर की वो तुम लोग पीछे जाकर देख सकते हो ना, लेकिन मैं पीछे जाकर देख नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर इक्वेशन कैसे लिखी थी, यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी होगी मैंने कुछ इस तरीके से लिखी होगी कि नीचे जाने की जो स्पीड है वो थी 10 मीटर चला होगा, किस स्पीड से चला होगा, तो इधर की स्पीड थी और इधर की स्पीड कितनी थी, इधर की स्पीड थी 10 sin 60 इंटू टी नोट। देखो ये अभी जो डिवाइड किया था ना, वहाँ पर जाकर चेक करना, ठीक है। देखो मैं तो नहीं कर सकता हूँ, पर तुम पीछे जा सकते हो, देख रहे हो ना फ़ायदा। टीचर को ये नहीं मिल रहा है फ़ायदा, पर तुम्हें मिल रहा है। ध्यान से देखो, जब तुम पीछे जाना और ये वाली जब इक्वेशन निकाली थी उस समय ध्यान से देखो, यह लिखा होगा कि नीचे जाने की स्पीड जो होगी, इधर से अगर देखोगे तो वी सी साइन 60 इंटू 10 मीटर तक चला होगा, तो इतने टाइम में चलेगा। वो वाली इक्वेशन उठाओ जिसको डिवाइड करके डी निकाला होगा। तो यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर टी नॉट विल बी इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 1/sin 60 आ रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 10 × 1/sin 60। साइन 60 कितना होता है, कितना होता है सोच कर बताओ, कितना होता है? तो ये कितना निकल के आएगा, 10/√3 × 2। तो आंसर आ रहा है 20/√3। अब ध्यान से देखो, टीचर ने इतना लंबा क्वेश्चन क्यों उठाया, ठीक है। फिर वही बात, मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कराने का ट्राई कर रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे रिलेटिव का एक प्रोफाइल बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको उस प्रोफाइल में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। जेई का क्वेश्चन था, इसीलिए कम से कम 4-5 कॉन्सेप्ट एक साथ देखने को मिल गए। तो मेडिकल वालों को घबराना नहीं है कि एक लंबा सा क्वेश्चन लिया, 5 कॉन्सेप्ट अच्छे से देखे, 15 मिनट लगाओगे 5 कॉन्सेप्ट मिल रहा, और क्या चाहिए, ठीक है। तो बड़े मजे से खुशी खुशी इन सारे कॉन्सेप्ट को देखो, और ठीक है इसी तरह पढ़ाई करते रहो, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, अपन इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, ठीक है। लगे रहना है, नहीं लगे रहोगे तो टेंशन होगी। आराम से मेहनत करते रहो, दम लगाओ, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मज़े करो, इन्जॉय करो, और क्या, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अपना प्यार बांटते रहो, मुझे अपना प्यार दिखाते रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।